आपका आपका सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क। अच्छा, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट सर एफडब्ल्यू टेलर द्वारा दिया गया था और ये एक वैज्ञानिक तरीके से कार्यों का संचालन करना जिससे अधिक लाभ हो और जिसमें मैनेजर के साथ साथ जो कार्यकर्ता है उनकी और इसके अलावा उपभोक्ता सभी लगा भी इसमें। ये थोड़ी सी आपने गोल गोल सी परिभाषा दे दी है, एग्जैक्टली बताइए कैसे उसको अधिक से अधिक लाभ सबको निकाल पाएंगे। सर मैं शॉर्ट में बताया सर, यदि इसका विस्तृत देखा जाए तो इसमें टेलर ने ये कहा था कि जो कार्य के तरीके होते हैं, टेलर ने हर पक्ष में ध्यान दिया कि छोटे छोटे कार्य के तरीके किस तरीके से संयंत्रों का अच्छे से उपयोग किया जाए और किन जगहों पे कार्य रुकावट पैदा करता है, उन जगहों में क्या चीज हमें एक्स्ट्रा। वर्क फ्लो स्टडी क्या है? वर्क फ्लो स्टडी जी क्या है सर? वर्क फ्लो स्टडी जो कार्य की गति होती है, कार्य की गति में रुकावट और कार्य की गति में जो अन्य चीजें आ जाती हैं जिनसे घर्षण जिसे कहते हैं, उन चीजों को एनालाइज करके उन्हें दूर करना। अच्छा, कोई जॉब भी करना है आप? यस सर। क्या कर रहे हैं? सर मैं लेखा परीक्षक हूँ, ऑडिटर। ये आप ये लोक सेवा आयोग से चयनित हूँ सर। अच्छा, नहीं पोस्टेड कहाँ है? पोस्टेड सर मैं बांदर में हूँ। बांदर में जी। बांदर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस होते हैं आपके? सर डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑफिस होते हैं लेकिन जो ऑडिटर होते हैं वो ब्लॉक लेवल में पोस्टेड होते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो आप ब्लॉक लेवल में पोस्टेड हैं वहाँ? जी सर। तो मैं समझता हूँ आप इनका करते हो पंचायत और उनका सहकारी समिति और पंचायत। ये एस्ट्रोलॉजी बड़ा विश्वास है क्या आपको? जी सर, बड़ा भरोसा करते हैं। तो डायमंड और ओपल एक साथ क्यों पहना है आपने? रिंग आप इंसान के पहने हुए क्या है उसमें, कौन सा स्टोन है? सर इसमें डायमंड। डायमंड है ना, ओपल ही पहने हैं जी। सोनो किस ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं? सर ओपल तो गुरु के साथ जुड़ा हुआ है और जो डायमंड है सर ये मिसेस ने गिफ्ट दिया था तो उस हिसाब से नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं तो ओपल भी तो शुक्र के साथ जुड़ा रहता है जैसे डायमंड काम करता है जी। और ये जो कछुआ पहने ये इसका क्या लॉजिक? कछुआ सर ये है कि हमारे एक मित्र हैं सर, उन्होंने मुझे शादी के समय गिफ्ट दिया था, उन्होंने कहा था ये आपकी वृद्धि और विकास के लिए होगा, उस हिसाब से मुझे दिया था। अच्छा अच्छा, एक विष्णु जी के नौ अवतारों में कच्छप अवतार का उल्लेख मिलता है जी सर, है ना? कच्छा अवतार जो था उसका क्या, उसके संदर्भ में कोई जानकारी है? क्षमा चाहता हूँ सर, जानकारी नहीं। आप बुंदेलखंड की ज्योग्राफिकल और वहाँ की सोशल चीज़ों से परिचित तो हो ही गए, कब से पोस्टेड हैं वहाँ पर? सर मैं 2015 में पोस्टेड हूँ। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का जो रीजन है जी वह सर्वाधिक पिछड़ा माना जाता है? सर सर्वाधिक पिछड़ा होने के कई कारण सर, वहाँ पर सबसे बड़ा कारण तो पर्यावरणीय कारण है सर, ज्योग्राफिकल चीज़ है वो इस तरीके की कि वहाँ की जो मिट्टी है और जो वहाँ का जल स्तर है उसके चलते वहाँ पर कभी भी यानी अच्छी फसलें और पानी की समस्या हमेशा से बनी रही और इसके चलते क्या है कि वहाँ के लोग जल्दी उभर नहीं पाए, एक चीज़ ये रही सर। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ चीज़ों में वहाँ पर विकास कार्यों में थोड़ी गति धीमी रही है सर, इन चीज़ों कारण है। आप अगर सुधार कराना चाहेंगे तो क्या चाहेंगे, किस तरह से? यदि मैं सुधार कराना चाहूँगा तो सर सबसे महत्वपूर्ण वहाँ की चीज़ें सर पानी की समस्या, तो मैं वहाँ की जो भी नदियाँ हैं नाले हैं उनमें छोटे छोटे स्टाफ डैम बनवाएंगे जिससे क्या पानी ज़्यादा समय तक रुक सके और भूमि ज़्यादा सिंचित हो सके। और मैंने सर कुछ पढ़ा भी था जो राजस्थान में जल पुरुष हैं हमारे, उन्होंने जो वहाँ पर तालाब छोटे छोटे बनवा के और वहाँ चीज़ों को जिस हिसाब से वृद्धि की है पानी में वाटर लेवल में, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ छोटे छोटे तालाबों की जो स्थितियाँ वो बढ़ाई जाए और जो भी कम या थोड़ी भी वर्षा हो तो पानी अधिक से अधिक संचित रखा जा सके। पानी पहन आपके पार्कर का पेन लगाया हुआ है, मिस्टर पार्कर के बारे में जानते सर? क्षमा चाहता हूँ, मुझे जानते सर। उत्तर प्रदेश जो है औद्योगिक प्रदेश नहीं कहा जाता, इंडस्ट्रियल जो कंडीशन है वो काफ़ी जीरो है जी सर, उसके क्या कारण है? सर इसके मूलतः कारण जो मेरी समझ में है सर, उद्योग के लिए सबसे मूलभूत चीज़ें होती हैं सर, एक तो जो नियम कानून हो वो थोड़े उनमें फ्लोइंग इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि कंपनियां जल्दी जल्दी हर चीज़ें अपने को इस्टेब्लिश कर सकें, इन चीज़ों में भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं और जो वर्तमान में इनमें सुधार हुआ है सर
और इसके अलावा सर सबसे महत्वपूर्ण होता है उद्योग के लिए विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत और ऊर्जा के मामले में उत्तर प्रदेश जहाँ तक पिछड़ा रहा है सर। उत्तर प्रदेश ये मतलब उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं है? उत्तर प्रदेश बिजली है सर, लेकिन जो यहाँ की जनसंख्या के अनुसार जो बिजली की मात्रा होनी चाहिए और जो प्रदेश की क्षेत्र के अनुसार होनी चाहिए उस मात्रा से कम है। और सर खनन के मामले में भी इसी में लेना पड़ोगी। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा थर्मल बिजली बनाता है जी सर, और हिंदुस्तान में जी पूरे सबसे ज्यादा जो बिजली प्रोडक्ट करता है वो NTPC करता है। NTPC के सबसे ज्यादा प्लांट उत्तर प्रदेश में है जी सर, और उत्तर प्रदेश थर्मल के जो प्लांट हैं उसमें आप 30% उत्तर प्रदेश में जी सर, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या है जी सर। तो आप कैसे इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि सर बोलता ये है कि बिजली ज्यादा मात्रा में उत्तर प्रदेश में NTPC पैदा कर रही है, किंतु सर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी इतनी नहीं है, इतने ज्यादा सर घर है कि विद्युत की मांग ज्यादा है सर यहाँ। और यहाँ पर सबसे बड़ी चुकी सर विद्युत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, विद्युत की मांग बहुत ज्यादा है। उससे पहले आपने बताया कि इंडस्ट्री में इसलिए हम आगे नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है। तो क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक एरिया में सबसे ज्यादा सप्लाई करते हैं? सर डोमेस्टिक एरिया में सप्लाई नहीं करते हैं सर, किंतु जो जनसंख्या की मात्रा है विभिन्न क्षेत्रों में, तो ये है कि हमें उस हिसाब से विद्युत उनको देना होता है सर घर को, तो उनकी पहुँच हम पूर्णता नहीं कर पा रहे हैं सर। जनसंख्या जब ज्यादा है तो विद्युत की खपत भी ज्यादा है सर। महाराष्ट्र की भी जनसंख्या ठीक है, पश्चिम बंगाल की भी जनसंख्या ठीक है, तमिलनाडु की भी जनसंख्या ठीक है जी, वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सर पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो खपत भी सर हो जाती है। वैसे तो ठीक है, मैं समझता हूँ इनका ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी इन्होंने आंसर सही दिया था, वो मतलब पढ़ाई होगा तभी दे सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और जानकारी भी इनकी पर्याप्त है। मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड वाला भी प्रश्न लगभग लगभग जो है सही है, कोशिश कीजिएगा कि अंगूठिया थोड़ी कम करके उसे। नहीं सर, मैं ये जब जाता हूँ सर कुछ नहीं पाता, सब सब उतार थोड़ा सा, और मतलब ना डायनेमिक थोड़ा सुस्ती जैसी नहीं दिखनी चाहिए, और पीछे हटके थोड़ा बैठिए, आप इसको हटाइए कमर को पीछे ले जाइए, मैं टिका हूँ सर। नहीं टिकना नहीं है, आप इसको कमर को चढ़ाइए बस, ये वो जो आप जो टिकते हैं और ये यहाँ रहता है तो आरामदायक अच्छा लगता है जी जी। और अगर आपने हिप्स भी मिला रखे हैं पीछे तो ये अटेंटिव लगता है जी सर। मैं टिका तब भी था टिका भी रेड़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। हाँ ये मतलब इसको बनाना है। बाकी कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको बातचीत में, जैसे मेरा पार्कर पैंट नजर पड़ गया ठीक है ना, पार्कर पैंट अब आप लगाए तो थोड़े गर्व से रखिए। मिस्टर पार्कर जो थे जॉर्ज स्टीवर्ट पार्कर का नाम था USA के, इनको लग्जरी पैंट की बड़ी आदत थी, एक और इनका पेन एक टीचर ने छीन लिया था सर। कंपनी स्टैब्लिश की 1900 के बाद, बोला 1870 के आसपास दशक में उन्होंने पहले इंटरव्यू दिया था भी ना जी सर। मैं आयोग के 5 इंटरव्यू दिया था और UPSC का, हाँ UPSC का 2 इंटरव्यू दिया। UPSC कहाँ कहाँ का दिया है? सिविल सर्विस का? सिविल सर्विस का सर। तो आपको ये होना चाहिए मैं समझता हूँ इस बार, ठीक है आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग जो जरूरत है वो है, इसलिए हमने आपका सेटिस्फैक्ट्री लिखा है, बहुत कम जगह लिखा है लेकिन आप काम लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो इशूज था जो, हाँ सर उसमें थोड़ा सा, हाँ उसमें पहली चीज़ तो आप देखिए कि आपका आंसर दोनों करेक्ट हैं लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन गलत है एकदम ठीक है। जैसे NTPC जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश बिजली बनाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, NTPC सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट बिजली खरीदता है जी। स्टेट गवर्नमेंट के पास करेंटली उत्तर प्रदेश की हम बातचीत करें तो करीब 5,00,000 करोड़ का बकाया है, यानी उत्तर प्रदेश जितना करंट में बजट पेश करता है उसका 1.5 गुना पैसा है, 2 साल भर का खर्चा दे दे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पाए जी। तो हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा है और NTPC यहीं से बिजली बनाकर सप्लाई बाहर कर देता है, और वो वाली कहावत पढ़ते हैं कि चिराग के लिए अंधेरा, वो कंटेंट यूपी के बारे में जी। तो एक तो ये रीज़न है, दूसरा इंडस्ट्रियल के दूसरा रीज़न औद्योगिक जो हमारी पॉलिसीज हैं जी, वो हम पॉलिसी बना रहे हैं उद्योग लगाने के लिए। जैसे यूपी में आप पढ़ते हैं कि
योगी साहब ने यूपी सबमिट किया जी, तो हम उद्योग हमारे पास कौन से लग सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर लैंड बेस है जी, तो इंडस्ट्री हम सोचेंगे यहाँ ऑप्टिकल फाइबर पर काम कर लें या स्टील प्लांट लग जाए जी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो पॉलिसीज हैं हम औद्योगिक नीति के बजाय उद्योग नीति की पॉलिसी एग्रीकल्चर बेस करना पड़ेगा, ये रीजन आप बताइए। सर एक चीज और इसमें आ रही थी दिमाग में, मैं बोल नहीं पाया कि जैसे खनिज संसाधन के मामलों में भी थोड़ा सा कमजोर है और उद्योग खनिज संसाधन पे भी निर्भर करते हैं अधिकतर। ठीक है, खनिज संसाधन की जगह बोली रॉ मटेरियल जो उद्योगों के आधुनिक उद्योगों के पास। अच्छा, स्किल पॉपुलेशन भी इसका रीजन है जी सर। ट्रांसपोर्टेशन मेजर, सबसे मेजर प्रॉब्लम यदि आप रखें इसको दो तीन, वहाँ पे एक लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उसी में ट्रांसपोर्ट टेलीफोन सुरक्षा की बहुत बड़ी चुनौती है, लाइन ऑर्डर भी एक बड़ा चुनौती है बिहार में, इनमें वैसे भी कोई आना चाहेगा उसको तमंचा रख के ले जाते हैं जी सर, का अपहरण कर लेते हैं जी, तो ये सब चीजों से चलिए फिर नहीं आपका कुल कुल मिला के सही था। ठीक ठीक, थैंक यू सर। सर जैसे मान लीजिए मैं एंट्री करता हूँ बोर्ड मेंबर के में कोई महिला भी बैठी है जैसे, तो सर मैं जैसे अभिवादन किया सर नमस्कार आप सभी को, तो क्या मैडम के लिए अलग से? हाँ नहीं, उसमें आप भी कह सकते हैं यू आर राइट, आप हम इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं सर्स जी, एस बहुवचन में बोल देते हैं जी, तो सर्स एंड मैडम कर दिए जी, उसके साथ एंड लगा के मैडम कर दिए अच्छा रहता है, तो अगर मैडम कोई है तो सर्स एंड मैडम, क्योंकि सर्स में मैडम कवर नहीं होगी जी, तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। सब चेयरमैन से शुरू करो, सबकी तरफ एक बार नजर घुमा लो जी, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल सर्स एंड मैडम। सर एक चीज मैं ड्रेसअप के बारे में थोड़ा सा, ड्रेस तो आपका ठीक है वैसे, 10 जनवरी को ठंड ज्यादा रहेगी, हां तो कोट पहन लिया, कोट पहन के जाइए, मतलब कोट पहन के जाइए, सूट ना पहनो टाई वही कोई जरूरत नहीं, कोट पहन के जाओ आप जी, कोट पहन कोट पहन के जाइए कंफर्टेबल हो, और ऐसा लाल पीला कोट टाई अनिवार्य है कि नहीं? कुछ नहीं, टाई कौन कौन टाई पर पहन रहा है, टाई तो बहुत वैसी चीज है, अगर आप पहले से पहन रहे आदत में तो ठीक है जी, इंटरव्यू के लिए टाई पहन के जाना बेवकूफी है जी, कोई करने की जरूरत नहीं, आप जिसे नॉर्मल रहते हैं वैसे जाइए साइज, और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, हम आपको बता रहे हैं साइज बहुत से जाइए आप जी, ठीक है।